Hi everyone. In last lecture, we have completed our topic that is solid waste management. हमने solid waste management को complete कर लिया है. अब हम लोग आज शुरू करने वाले हैं soil pollution पढ़ने वाले हैं. तो soil pollution से already आपके exam में 2018 में भी और 2019 में भी आपको environment pollution control का जो paper होता है semester paper उसमें question आए हुए हैं और काफ़ी basic question आए हुए हैं कि उसका क्या होता है, उसका effect क्या होता है और क्या सोर्सेज है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं. तो हम लोग इसको पहले कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से. और दोनों दो 2 ईयर्स में दोनों साल में ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो इसका ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा. इसका इफेक्ट भी एक बार आया हुआ है और इसका फिर कैसे हम लोग उसका कैसे सॉइल पोल्यूशन होता है वो भी क्वेश्चन आया हुआ है. तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं. तो शुरू करते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट यूनिट से लेकर फोर्थ यूनिट तक पीडीएफ अटैच किया गया है. आप चाहें तो अगर नोट्स पीडीएफ नोट्स चाहिए अगर तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. और एक पेकून.इन का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. आप चाहें तो कुछ चैनल को सपोर्ट करना चाहें पर्सनली तो कुछ पर्सनली हेल्प कर सकते हैं जिससे कि चैनल के डेवलपमेंट में हेल्प होगा. तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है शुरू करते हैं. हमने पोल्यूशन पढ़ा है ऑलरेडी. तो कुछ भी सब्सटेंसेज अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज ऐड हो जाता है जिसके वजह से उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाना, जैसे कि मान लीजिए एयर है या वाटर है, इसी तरह से सॉयल है, तो उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाना, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाना, कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाना, कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज है, कुछ कॉन्टामिनेशन उसमें आ गया जिसके वजह से उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो एक पॉल्यूशन हो गया. तो अब सॉयल में कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज ऐड हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो सॉयल पॉल्यूशन हो जाएगा. जिसके वजह से क्या होता है, सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है, वो ख़राब हो जाता है. जो प्रोडक्टिविटी है उसका डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. सॉइल में कुछ चीज़ ऐड हो जाना, अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड हो जाना या उसके प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर देना, उसका नेचर को मॉडिफाई कर देना, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देना सॉइल पोल्यूशन कहलाता है. वो देख लेते हैं हम लोग पॉइंट वाइज. सॉइल पोल्यूशन इज द अनडिजायरेबल मॉडिफिकेशन इन द नेचर ऑफ सॉइल लीडिंग टू चेंजेस इन इट्स फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी. मतलब कुछ अनडिजायरेबल मॉडिफिकेशन सॉइल के नेचर में हो गया या फिर उसका चेंजेस, उसका फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो गया, मतलब कुछ एडिशन होने की वजह से कुछ उसका फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, तो उसको हम लोग बोल देंगे सॉइल पोल्यूशन. काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ये आप डेफिनेशन देख लीजिए. सॉइल पोल्यूशन रिफर्स टू एनीथिंग दैट काउजेज कॉन्टामिनेशन ऑफ सॉइल एंड डिग्रेड्स द सॉइल क्वालिटी. कुछ कॉन्टामिनेशन हो जाता है उसमें सॉइल में, कुछ ऐड हो जाता है उसमें एंड डिग्रेड्स द सॉइल क्वालिटी. मतलब कॉन्टेमिनेशन मतलब कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसमें ऐड हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है. इट अकर्स व्हेन द पॉल्यूटेंट्स काउजिंग द सॉइल काउजिंग द पॉल्यूशन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है. तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कर सकते हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंस एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस विच चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और चेंजेस द फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब सॉइल एंड विच रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल पॉल्यूशन. तो ये आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर जो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिया है वो भी आप बोल सकते हैं. सॉइल पॉल्यूशन डिक्रीजेज प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल. सॉइल पॉल्यूशन जो होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल को डिक्रीज करता है. मतलब जो भी वहाँ से हम लोग प्रोडक्शन ले सकते थे प्लांट वहाँ पर लगाकर, क्रॉप लगाकर, उसके प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है. तो 2 ईयर्स 2018 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, 6 मार्क्स का दोनों बार आया हुआ है और 4 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आया हुआ. तो सॉइल पोल्यूशन आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों बार एक एक क्वेश्चन इसे पूछा गया है और काफ़ी लिमिटेड वेरिएशन में पूछा गया है. सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है और सॉइल पोल्यूशन का सोर्सेज क्या है ये पूछा गया है. वो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग वो कवर कर लेते हैं. सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, अब हम लोग यहाँ पर सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन देखने वाले हैं. तो सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, जैसा कि आपने अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी पोल्यूशन है तो उसका 2 तरीके का सोर्सेज हो सकता है. एक तो नेचुरल सोर्सेज हो सकता है और दूसरा जो होता है वो आपको मैन मेड सोर्सेज भी हो सकता है. तो दोनों हम लोग वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर हम लोग पॉल्यूटेंट के फॉर्म में बात करेंगे. अगर नेचुरल पॉल्यूटेंट कुछ ऐड होकर सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है तो वो हमारा नेचुरल पॉल्यूटेंट या नेचुरल सोर्सेज हो जाएगा. और जो मैन मेड के पॉल्यूटेंट है, कुछ मैन मेड पॉल्यूटेंट जैसे कि प्लास्टिक ऐड हो जाना या इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐड हो जाना, सॉलिड वेस्ट ऐड हो जाना, तो उसके वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है तो वो मैन मेड के अंदर आ जाता है. हम देख लेते हैं. देर आर सम पॉल्यूटेंट्स दैट इफेक्ट द सॉयल एंड अल्टर इट्स नेचर. कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो सॉयल को इफेक्ट करता है और उसका नेचर को अल्टर कर देता है. दीज आर वो क्या क्या है, फर्स्ट है आपको नेचुरल पॉल्यूटेंट्स है और सेकेंड आपको मैन मेड है. मतलब जो नेचर की तरफ से हो रहा है या नेचुरली हो रहा है तो उसके वजह से है और कुछ मैन मेड की वजह से है. तो देख लेते हैं. तो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या आता है पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं.
ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सॉयल पोल्यूशन, यहाँ पर वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा है सॉयल पर ही है, तो जिसके वजह से क्या होगा सॉयल की क्वालिटी क्या होगा डे बाई डे क्या होगा वो डिग्रेड होता चला जाएगा, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होता चला जाएगा, और जो भी उसका प्रोडक्टिविटी था वो डाउन होता चला जाएगा। तो बहुत तरह का यहाँ पर वेस्टेज आपको नज़र आ रहा है, उस वेस्ट की वजह से यहाँ पर सॉयल का पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। अब नेचुरल देख लेते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या आ सकते, तो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आता है। इसमें जो भी वैसा पॉल्यूटेंट होता है जो मतलब नेचुरल थिंग्स में हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एनिमल है वो डेड हो गया है, तो उसका बॉडी अगर किसी भी सॉयल के ऊपर होगा मतलब लैंड पर होगा तो कहीं ना कहीं वो अगर डिकम्पोज होगा तो वो बॉडी डिकम्पोज होकर क्या होगा सॉयल में वो मिक्स हो जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ऐड हो जाएंगे, कुछ उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, तो क्या होगा वो सॉयल के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा, उस पर वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसमें ऐड हो गया जिसका रिक्वायरमेंट नहीं था, या ओवरलोडिंग हो गया आपको ऑर्गेनिक मैटर का जिसके वजह से उसका प्रॉपर्टी में आपको चेंजेस हो गया, तो इसके वजह तो ये एक तरह का नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हो गया। तो जो भी एनिमल वेस्ट हो गया, यूरिन होता है या ब्लड्स जो एनिमल से मिलते हैं, या एनिमल बॉडी डेड हो गया तो वो क्या होगा डिकम्पोज होगा, तो उसमें भी नेचुरल पॉल्यूटेंट के अंदर वो आता है। इसका एक और एग्जांपल है जैसे कि कुछ प्लांट का रेसिड्यू हो गया, प्लांट कुछ हैं जो बेकार पड़े हुए हैं जो धीरे धीरे सड़ रहे हैं गल रहे हैं, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं कुछ पेस्ट लगे हुए हैं, तो वो क्या होता है सॉयल में धीरे धीरे सॉयल में ऐड होते जाता है वो मिक्स होते जाता है, तो सॉयल का वहाँ पर भी आप देखोगे कि प्रॉपर्टीज़ को वो चेंज कर रहा है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो ऐड हो जा रहा है, तो वो भी एक तरह का पॉल्यूटेंट्स ऐड कर रहा है। फिर जो भी हमें वेस्ट मिलते हैं क्रॉप से, जैसे क्रॉप हुआ तो जो क्रॉप होता है वहाँ से हम लोग को जनरली आप देखे होंगे वहाँ पर लास्ट में हमें भूसा टाइप का पॉल टाइप का मिलता है जो हम लोग जनरली अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो वहाँ पर जो मिलता है वेस्ट उसको जनरली लोग क्या करते हैं कि लैंड पर या एग्रीकल्चर फील्ड पर ही उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ गैस मिल सकता है या कुछ ऐश फाइनल वेस्ट के फॉर्म में बनता है, तो वो कहीं ना कहीं सॉयल में ही ऐड हो जाता है, तो वहाँ से भी सॉयल पोल्यूशन आपको नेचुरली वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब इसके अंदर आता है, तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट बोल रहा है भाई प्लांट रेसिड्यू बोल रहा है, मतलब प्लांट से जो भी रेसिड्यू मिलते हैं जो बचे हुए होते हैं जो सड़ रहे हैं या फिर डिके हो रहे हैं, तो वो सब अगर प्लांट वो सब अगर उसमें ऐड हो रहा है सॉयल में तो अपने साथ कुछ पैथोजेन को कुछ पेस्ट को मतलब कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ऐड कर देता है जिसके वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो वही बोल रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो प्लांट का जो रेसिड्यू होता है जैसे कि कुछ डेड प्लांट हो गया या डिकेइंग प्लांट हो गया वो सब ऐड होने की वजह से, तो अपने साथ विच कैरीज पैथोजेन एंड पेस्ट, कुछ पैथोजेन को मतलब कुछ आपको जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको पैथोजेन बोलते हैं, तो अपने साथ कुछ पैथोजेन को भी अपने साथ ऐड कर देता है सॉयल में जिसके वजह से वहाँ पर सॉयल का पोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपको बर्निंग बताया, ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप वेस्ट ऑन द फील्ड इट सेल्फ, कभी कभी वही होता है कि बर्निंग हो जाता है, लोग जो क्रॉप का वेस्ट जो बचा हुआ होता है उसको क्या करते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड पे ही जहाँ पर वो रखा हुआ होता है वहीं पर उसको बर्न कर देते हैं, तो बर्न करने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज होता है, तो कुछ वहाँ पर वैसा कुछ वहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है वो सॉयल में भी ऐड हो जाता है, सॉयल में ऐड होने की वजह से सॉयल का प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा, वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा, कुछ फ्लाई ऐश वहाँ पर बचेगा, बर्निंग के बाद कुछ ऐश बच जाएगा तो ऐश भी सॉयल में ही वहाँ पर मिक्स हो जाएगा, तो उससे भी आपको प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो सॉयल को पॉल्यूट कर रहा है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर नेचुरली देख लिया, प्लांट एंड रेसिड्यू का यहाँ पर देख लिया है, और सेकेंड देख लेते हैं अब। तो ये हो गया हमारा प्लांट रेसिड्यू की वजह से, मतलब प्लांट जो बचा हुआ था जो भी प्लांट या तो डेड हो रहा था या डिकेइंग हो रहा था उसके वजह से, या फिर प्लांट से जो क्रॉप हमें क्रॉप से जो हमें वेस्ट मिला उसके वजह से उसके बर्निंग की वजह से यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट ऐड हुआ उसको हम लोग बोल देते हैं प्लांट रेसिड्यू, ये सब नेचुरल पॉल्यूटेंट है। अब सेकेंड देख लेते हैं एनिमल वेस्ट, तो एनिमल वेस्ट आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ डेड एनिमल होते हैं जो क्या होता है डेड एनिमल प्लांट डेड एनिमल आपको लैंड पर ही आपको मिलेंगे, तो उसके वजह से क्या होता है वो डिकम्पोज होते रहता है, डेड एनिमल डिकम्पोज होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है एक ही जगह पर ओवरलोडिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर अनहेल्दी कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए जो अनहेल्दी कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कि इसका ये भी मतलब एक तरह का सॉयल पॉल्यूशन के अंदर आ गया। तो यहाँ पर डेड एनिमल भी हो सकता है, या एनिमल का यूरिन ऐड हो जाना, या एनिमल का ब्लड ऐड हो जाना, ये सब आता है आपको एनिमल वेस्ट के अंदर। तो एनिमल वेस्ट की वजह से भी यहाँ पर सॉयल पॉल्यूशन होता है, और प्लांट रेसिड्यू की वजह से भी सॉयल पोल्यूशन होता है, तो ये सब हम लोग बोल सकते हैं कि ये नेचुरल पॉल्यूटेंट है। अब आगे देख लेते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट के अंदर हम लोग दो ही देखेंगे, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैनमेड पॉल्यूटेंट। तो मैनमेड में हम लोग देख लेते हैं मैनमेड में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोग
मैन मेड में इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, कुछ इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है, तो वो क्या होता है, लोग जनरली सॉइल पर ही वेस्ट के फॉर्म में छोड़ देते हैं, उसको ओपन डंपिंग कर देते हैं या लैंड फिलिंग कर देते हैं, तो जिसके वजह से वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकेमिकल हो सकता है, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम हो सकता है, उसका वेस्ट हो सकता है, पेंट हो सकता है, कुछ भी वहाँ से हो सकता है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश निकल रहा है, अगर उसका हम यूटिलाइज़ कर लें तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर उसको वेस्ट के फॉर्म में छोड़ दिए तो वो सॉइल में मिक्स होकर सॉइल का प्रॉपर्टी को चेंज करने वाला है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है। फिर घरों में जो डिटर्जेंट यूज किया जाता है, डिटर्जेंट के वजह से भी क्या होता है, जो भी वाटर घर से निकल रहा है, डिटर्जेंट इसमें ऐड है, वो क्या करेगा, अगर उसको हम लोग लैंड पर छोड़ देंगे, मतलब वाटर का सप्लाई कर देंगे एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर जहाँ पर प्लांट लगाना है, तो वो क्या करता है, डिटर्जेंट के वजह से सॉयल का प्रॉपर्टीज फिर से वो वहाँ पर उसका डिग्रेड हो जाता है, वहाँ पर जो प्रोडक्शन मिलने वाला था वो डिक्रीज हो जाता है। इसी टाइप से यहाँ पर मैन मेड आपको मिलने वाला है। सॉलिड वेस्ट जैसे हो गया, सॉलिड वेस्ट कुछ कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक हो गया, कैंस हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड वेस्ट के वजह से भी वहाँ पर सॉयल का पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सब एक तरह का मैन मेड पॉल्यूटेंट आता है। फिर आपको जनरली एग्रीकल्चर में आपको नज़र आता होगा तो कुछ पेस्टिसाइड यूज़ करना, जैसे DDT यूज़ कर लेते हैं, हर्बिसाइड यूज़ कर लेते हैं, तो उसके वजह से भी वहाँ पर सॉयल का प्रॉपर्टी आपको करंट में तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, बट क्या होता है, डे बाई डे धीरे धीरे उसका प्रॉपर्टी डिक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रहा होगा। फिर आपको वहाँ पर कुछ सीपेज का लीकेज होता है, सीपेज लीकेज के वजह से भी वहाँ पर सॉयल पोल्यूशन होता है, क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले मैन मेड पॉल्यूटेंट में क्या आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपको बताया बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपको इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें, जैसे डाई निकलना, पेंट निकल रहा है, या कुछ पेट्रोकेमिकल्स निकल रहा है, या फ्लाई ऐश निकल रहा है, तो वो सब आपको अगर हम लोग सॉयल में ऐड कर देंगे, किसी वजह से ऐड हो गया वो, या तो वेस्ट के फॉर्म में हम लोग छोड़ दिए, या फिर सप्लाई किया हमने वाटर के फॉर्म में तो उसमें चला गया वो, सॉयल पर जाकर ऐड हो गया, सॉयल में मिक्स हो गया, तो वहाँ पर उसका प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगा और उसमें कॉन्टेमिनेशन उसमें ऐड हो गया, मतलब अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड हो गया, जिसके वजह से उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, फ्लाई ऐश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, एफ्लुएंट फ्रॉम डाई एज एंड पेंट फैक्ट्री, मतलब जो भी एफ्लुएंट बोलते हैं उसको, जो भी डाई एज एंड पेंट फैक्ट्री से जो बाहर निकल कर आता है प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, अगर मान लीजिए कि ये ऐड हो जाता है सॉयल में, तो उसके वजह से सॉयल पोल्यूशन होता है, तो ये एक तरह का मैन मेड पोल्यूटेंट हो गया। अब सेकंड है डिटर्जेंट, ये तो सबको पता है, जो डिटर्जेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो भी यूज़ ऑफ केमिकल डिटर्जेंट ऑल्सो काउज सॉयल पोल्यूशन, जो भी हम लोग केमिकल डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो भी सॉयल पोल्यूशन का काउजेज होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम द सिटीज़ एंड टाउन इज़ रिच इन डिटर्जेंट, जो भी वाटर सिटीज़ या टाउन से निकलता है वो डिटर्जेंट में काफ़ी रिच होता है, अगर उसका हम लोग सप्लाई अगर डायरेक्टली हम लोग फील्ड की तरफ करते हैं, या जहाँ पर ट्री या क्रॉप का वहाँ प्लांटेशन किया जाता है वहाँ करते हैं, तो क्या होगा, वो सॉयल का प्रॉपर्टीज़ को डिक्रीज़ कर देगा, तो डिटर्जेंट के वजह से भी काफ़ी हाई अमाउंट में यहाँ पर सॉयल पोल्यूशन होता है। थर्ड देख लेते हैं, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड सच एज DDT, एल्ड्रीन, ETC आर ऑल्सो काउज ऑफ सॉयल पॉल्यूशन, जो भी हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, चाहे वो DDT हो गया, एल्ड्रीन हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर्बिसाइड भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे कीटनाशक यूज़ करते हैं जो कि हम लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, तो उसके वजह से वो सॉयल में कहीं ना कहीं एकोमुलेट होता चला जाता है, और धीरे धीरे वो सॉयल में ऐड होता चला जाता है, और उसका क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो एकोमुलेशन हम लोगों ने DDT का ऑलरेडी पढ़ा है आपको, आई थिंक वाटर पोल्यूशन में आपको पढ़ाया था कि एकोमुलेशन किसको बोलते हैं, कि जैसे कि सॉयल में ऐड हुआ, सॉयल से वो धीरे धीरे प्लांट में जाएगा, प्लांट से फिर उसके बाद का जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें चला जाएगा, उसके बाद का फिर ट्रॉपिक लेवल से अपर वाले ट्रॉपिक लेवल में चला जाएगा। मान लीजिए कि उसको कि सॉयल में ऐड हुआ, सॉयल से प्लांट में ऐड हुआ, प्लांट को कुछ कीट ने खाया या कुछ आपको हर्बीवोर्स ने खाया, उसके बाद फिर उसको कार्निवोर्स ने खाया, ओमनीवोर्स ने खाया, इस टाइप से वो ट्रांसफर होता चला जाता है, तो ट्रांसफर होता चला जाता है, तो वो जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्युमुलेशन। तो यहाँ पर अगर पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सॉयल का क्वालिटी डिक्रीज होगा, और उससे काफ़ी ज़्यादा आपको डिजीज़ भी होने का चांसेस हो जाएगा, वहाँ पर DDT का एक्युमुलेशन हो जाएगा, और बॉडी टू बॉडी जैसे जैसे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल में, उसका क्वांटिटी भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये भी सॉयल में एक तरह का पॉल्यूशन को ऐड कर रहा है, पॉल्यूटेंट को ऐड कर रहा है, DDT जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पॉल्यूटेंट को ऐड कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं, उसके बाद है आपको डी में, मतलब फोर्थ अपना है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट से आपको तो जनरली नज़र आता ही है, जहाँ आसपास भी आपको देखते होंगे, सॉयल पर ही सॉलिड वेस्ट जो भी होता है, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो गया या घरों के बाहर होता है, वो क्या करते हैं, सॉयल पर ही लैंड पर ही रख देते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर का जो सॉयल होता है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको पॉल्यूशन देखने को मिलता होगा, वहाँ पर तो एयर पोल्यूशन भी आपको मिलता है, सॉयल पोल्यूशन तो वहाँ पर रहेगा ही, तो वहाँ पर वेस्टेज कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कैंस हो सकता है, न्यूक्लियर वेस्टेज हो सकता है, कुछ भी कंपनी से जो भी इंडस्ट्री से वेस्टेज आ रहा है, या कमर्शियल वेस्टेज आ रहा है, या डोमेस्टिक वेस्टेज आ रहा है, कुछ भी वहाँ पर ऐड हो रहा है, तो वो एक तरह का सॉलिड वेस्ट जो भी ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से सॉयल का पोल्यूशन होगा। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज प्लास्टिक, कैंस, न्यूक्लियर वेस्ट, ETC काउजेज
सॉयल पोल्यूशन, ये सब आपको सॉयल पोल्यूशन का काउजेज है, ये सब सॉयल के प्रॉपर्टी को चेंज करता है। आगे देख लेते हैं उसके बाद एसी ड्रेन। अब एसी ड्रेन, रेन तो नेचुरली होता है, बट एसी ड्रेन है तो एसी ड्रेन का रीजन क्या होता है? कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज है या ऑटोमोबाइल्स है, जो भी उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, उसके वजह से एसी ड्रेन का काउजेज होता है। एसी ड्रेन को हम लोग इसीलिए मैनमेड पॉल्यूटेंट में रखे हैं कि वो ह्यूमन के इफेक्ट की वजह से एसी ड्रेन होना है, अदरवाइज एक्चुअल में तो रेन होना चाहिए था, बट ह्यूमन के एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर एसिड ऐड हो जा रहा है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऐड हो जा रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐड हो जा रहा है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज निकल रहे हैं, जो एयर पोल्यूशन में ऐड, एयर में ऐड हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल से जो निकल रहे हैं वो एयर में ऐड हो रहा है, उसकी वजह से फिर बाद में क्या होता है, एसिड के फॉर्म में रेन होता है। तो ये भी जब एसिड रेन होता है तो क्या होता है, सॉयल का पीएच वैल्यू में वेरिएशन ला देता है। सॉयल का पीएच वैल्यू जनरली अगर गुड क्वालिटी का सॉयल है तो 5 से 7 के आसपास होता है, वैसे वेरी करते रहता है, कहीं कहीं वो रेन पे भी डिपेंड करता है, रेन कितना लेवल कितना सेंटीमीटर में हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, बट जनरली बोला जाता है 5.5 से 7 के आसपास इसको रखा जाता है या 7 तक रखा जाता है। तो अगर एसिड रेन होगा वहाँ पर तो क्या होगा, सॉयल में एसिड का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से उसका एसिड का क्वांटिटी बढ़ने की वजह से पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, तो वो आपको एक तरह का प्रोडक्टिविटी सॉयल का डिक्रीज करने वाला है। एसिड रेन गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन सॉयल चेंजिंग इट्स पीएच वैल्यू विच काउजेज अनहेल्दी ग्रोइंग कंडीशन ऑफ ट्रीज और प्लांट। मतलब जो भी एसिड रेन होता है वो सॉयल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से उसका पीएच वैल्यू उसका चेंज होने लगता है, और उसके वजह से क्या होता है, जो भी ट्रीज और प्लांट वहाँ पर ग्रो होने वाला था उसके लिए अनहेल्दी कंडीशन वहाँ पर राइज हो जाता है। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं, सीपेज फ्रॉम लैंडफिल ऑल्सो एड कॉन्टमिनेशन टू द सॉयल। जो भी लैंडफिल का सीपेज होता है, लैंडफिल से सीपेज, जो भी हमने लैंडफिल देखा था कि सॉलिड वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लैंड में ही 3 to 4 मीटर हम लोग डीप कर देते हैं, वहाँ पर मटेरियल को, सॉइल को रिमूव कर देते हैं, फिर हम लोग लैंड फिलिंग कर लेते हैं, लैंड फिलिंग करने के बाद फिर हम ऊपर से लेयर बाय लेयर सॉलिड को, लेयर बाय लेयर सॉइल को लगा देते हैं। तो उसके वजह से भी क्या होता है, वहाँ पर मान लीजिए कि कुछ सीपेज हो गया, कुछ वहाँ पर डिकम्पोज होने की वजह से कुछ लिक्विड का फॉर्मेशन हो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, वो लीक करेगा, मतलब सीपेज मतलब वही होता है लीक करना, वहाँ पर जो भी सॉलिड वेस्ट था वो लीक करेगा, लीक करके जो भी अगल बगल सॉइल, उसके पास सॉइल होगा, मान लीजिए कैसे यहाँ पर है, हमने बनाया यहाँ पर लैंड फिल के लिए सॉलिड वेस्ट यहाँ पर रख दिया, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये तो डिक्रीज ही होने वाला है, डिकम्पोज ही होने वाला है, डिकम्पोज होकर क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए लीकेज होता है तो लीकेज होकर जो इधर का सॉयल होगा या इस साइड का सॉयल होगा, इस साइड का सॉयल होगा, वो सब क्या होने वाला है, उसमें वहाँ पर कॉन्टेमिनेशन ऐड होगा, जिसके वजह से सॉयल का प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख लिया जो सोर्सेज के फॉर्म में हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज आपको हो सकता है माइंड में आ रहा होगा, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट आप अलग से भी लिख सकते हो, मैंने सॉलिड वेस्ट में उसको इंक्लूड कर दिया है। इस टाइप से बहुत सारा आप कर सकते हो, जैसे कि माइनिंग जो हम लोग करते हैं, माइनिंग की वजह से भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, माइनिंग की वजह से भी कुछ सॉइल में पॉल्यूशन ऐड हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा आप खुद से भी वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने मेन मेन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में और मैनमेड पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2 बार एग्जाम हुआ है इस सिलेबस का, इस ईपीसी का, दोनों बार ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको माइंड में रखिएगा, हो सकता है फिर से रिपीट कर दें। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट देख लेंगे कि उसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, तो वो देख लेते हैं। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको पीडीएफ के फॉर्म में अगर नोट्स चाहिए तो पीडीएफ का भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में, नोट्स का जो पीडीएफ फॉर्म है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, और एक pekun.in का भी लिंक है, pekun.in पर आप क्लिक करके वहाँ से कुछ चैनल को डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।